तो ये पोटिंग मिक्स बन के अब ये तैयार हो गया, बहुत ही स्ट्रांग पोटिंग मिक्स ये बना है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यन कुशवाहा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आपको बता दें कि आजकल कटिंग का बिल्कुल इस समय चल रहा, कटिंग इस समय गुलाब का या बोगनविलिया का या अमरूद का या आम का इस समय या कड़ी पत्ता का बहुत प्रचुर मात्रा में इसमें कटिंग आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात होती है कि जब कटिंग करने के बाद जब कटिंग ग्रो आता है उसके बाद जब उसकी पोटिंग मिक्स आप बना के लगाते हैं तो कहीं ना कहीं कटिंग सूख जाती है। दोस्तों आपको बताएं कि अगर आप फ्रूट वाला, अगर आपके पास प्लांट होगा तो फ्रूट वाला प्लांट के लिए मैं पोटिंग मिक्स आपको बना के दिखाऊंगा और बहुत ही शानदार पोटिंग मिक्स होगा। इसी तरीके से आप बना के आप कटिंग को उसमें इस्तेमाल करिएगा, आपको बताएं कि बहुत बढ़िया पौधा इसमें ग्रो करेगा। क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट रहता है कि सर कटिंग ग्रो होने के बाद जब उसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं, गमले में लगाते हैं, उसका जो पोटिंग मिक्स बना के लगाते हैं तो पौधा होता है क्या कि सूखने लगता है। रीज़न है कहीं ना कहीं आपको पता है कि पोटिंग मिक्स बनाते कैसे हो, बना के इस्तेमाल करते हैं लेकिन पौधा ग्रो नहीं करता है। दोस्तों आपको हम बताते हैं कि कैसे पोटिंग मिक्स बनाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए दोस्तों हम सबसे पहले बात कर रहे हैं मिट्टी के, तो आपको हम बता दें कि जब भी मिट्टी का आपको इस्तेमाल करनी है तो हमेशा हम हर पोटिंग मिक्स की वीडियो में आपको बताता हूँ कि मिट्टी आपको गार्डन की अपनी इस्तेमाल करनी है, गार्डन की इस्तेमाल करनी है और बहुत ज़्यादा गहरी मिट्टी आपको नहीं लेनी है, ऊपर की ही मिट्टी का आपको इस्तेमाल करना है ताकि ऊपर की मिट्टी में बैक्टीरिया की संख्या बहुत अधिक होती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि मिट्टी इसमें लेना है आपको 40%, 35 से 40% मिट्टी का आपको इसमें इस्तेमाल करना है। एक पॉट 12 इंच का है, इस पॉट के में भरने के लिए आपको मैं इसका आपको बता रहे हैं कि इसमें कितने कितनी मात्रा आपको इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों इसमें हम ले सकते हैं, आप इतना मिट्टी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, करीब करीब 40% आप ले लीजिए, इसमें आपका इसमें मिट्टी हो गया। मिट्टी को थोड़ा अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लीजिए, मिट्टी को साफ़ कर लेंगे थोड़ा बढ़िया रहेगा, जिसमें कंकड़ पत्थर उतर रहेंगे उसको निकाल के बाहर निकाल फेंक दीजिए। अब दोस्तों इसके बाद इसमें आपको मोटी वाली जो रेत होता है जो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती है उसको इसमें इस्तेमाल करना है। कितना करना है? 20% आपको 20% इसमें मोटी वाली रेत इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल दोस्तों इसलिए करना है कि इससे ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया रहता है और बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में ये बहुत ज़रूरी है इसको इस्तेमाल करना आपको। दोस्तों 20% हो गया आपका मोटी रेत, इसको इस्तेमाल कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको इस्तेमाल करना है 10% आपको इस्तेमाल करना है बर्मी कंपोस्ट। दोस्तों देख रहे हैं ये बर्मी कंपोस्ट है, ये आपका हो गया बर्मी कंपोस्ट 10%। दोस्तों जो मिट्टी आपको लेनी है, मिट्टी बहुत ड्राई मिट्टी मत इस्तेमाल करिएगा, नम मिट्टी रहेगा तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब उसके बाद आपको हम बता दें कि इसमें आपको लेना है लकड़ी का बुरादा मिल जाए या इसमें चावल की भूसी मिल जाए, 10% वो आपको इसमें इस्तेमाल करना है, ज़रूरी आपको है इस्तेमाल करना। देखिए ये जो है चावल की जो भूसी है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं 10% इसमें। दोस्तों आपको बताएं कि इसका अगर जो भी यूज किया होगा उसका रिस्पांस जानता होगा कि जो चावल की भूसी है उसका रिस्पांस कितना बढ़िया होता है पोटिंग मिक्स में, तो इसको डाल के इसमें इस्तेमाल करिए। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको 10% में से आपको इसमें नीम की खली और सरसों की खली दोनों इसमें मिलाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको हम बता दें कि नीम की खली आप मिला लीजिए इसमें। दोस्तों नीम की खली मिलाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नीम की खली मिल गया। और इसमें आप मिला दीजिए सरसों की खली। दोस्तों सरसों की खली को आप पाउडर बना लीजिए और एक पॉट के लिए ये इतना ये बहुत ही काफ़ी है, इसको पाउडर बना के भी इसको डाल सकते हैं, इस तरह डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों बहुत लोग भ्रम में रहते हैं कि बरसात के मौसम में जब पोटिंग मिक्स बनाते हैं तो सरसों खली नहीं इस्तेमाल करना, आप बिल्कुल इस्तेमाल करिए, बहुत बढ़िया उसका रिस्पांस आपको मिलेगा।
अब दोस्तों इसमें 1 या 2% की मात्रा में आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा ऑप्शनल है, या उसके बदले में राख का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ट्राइकोडर्मा हम 1% इस रूप में इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों बरसात के मौसम में इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है ट्राइकोडर्मा का। दोस्तों ये पोटिंग मिक्स बन के अब ये तैयार हो गया, बहुत ही स्ट्रांग पोटिंग मिक्स ये बना है। और अब आपको बताएं कि इस गमले में आपको लगाना है। तो गमले में दोस्तों लगाने से पहले जो छिद्र होता है उस छिद्र के यहाँ कोई टुकड़ा आपको रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग गलती ये करते हैं कि टुकड़ा नहीं रखते हैं, सोचते हैं कि पानी तो उसमें से निकल जाएगा, और जब बरसात के मौसम में जब इसमें पानी भरता है तो मिट्टी पूरी बैठ जाती है, और जब छिद्र होता है, छिद्र बंद होता है और पौधा सूखने लगता है। कारण क्या है, उसकी जड़ें गल जाती हैं। तो ये आप इसके इतना सा टुकड़ा ले लीजिए और टुकड़ा छिद्र के पास आप रख दीजिए। उसके बाद एक काम और कर सकते हैं, नारियल का जो छिलका होता है, नारियल के छिलके को आप नीचे रख सकते हैं। बहुत ही ज़रूरी है आपको नारियल छिलका वहाँ पर रखना, क्योंकि आप रखते हैं तो आपको उसका रिस्पांस बहुत बढ़िया मिलेगा। या आपके सूखे पत्ते इसमें मिल जाए, इसमें सूखे पत्ते बहुत कम चांस मिलने के, नारियल के छिलका अगर आप ला कर रखे होंगे तो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इस पोटिंग मिक्स को इसमें आप भर लीजिए। देखिए पूरे ये लगभग 12 इंच के पॉट के लिए ये कंप्लीट हो गया। और हमेशा जब भी आप पॉट में मिट्टी भरिए तो हमेशा हम कहते हैं कि 1 से 2 इंच आप हल्का सा इसमें खाली रखिए। 1 से 2 इंच खाली रखेंगे तो इससे बेनिफिट यू होगा कि जब भी पानी आप देंगे तो पानी ऊपर नहीं जाएगा, वो पानी आराम से इसमें बैठ जाएगा। और जब भी आप नया पॉट आप भरते हैं मिट्टी में तो पानी हमेशा आप 2 बार देते हैं। एक बार पानी आप दे दीजिए कोई भी प्लांट इसमें लगा के, और उसके बाद 10 से 15 मिनट या आधे घंटे रुक जाइए, उसके बाद फिर आप पानी इसमें आप दीजिए। आप उसमें तुरंत अपना जो नीचे का जो छिद्र है उसको आप चेक कर सकते हैं कि नीचे से पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इस बात को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि तुरंत आप चेक कर लेते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहता, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा ये आके दिक्कत करता है। तो दोस्तों ये पोटिंग मिक्स मैंने जो आपको बना के बताया, ये आपको अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, और लगे तो शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।